हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चौरी चौरा कांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस पार्ट है, फेमस इंसिडेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जिसने भारत के एक छोटे से जिले के छोटे से कस्बे को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया भारत की मॉडर्न हिस्ट्री का। चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। वैसे तो दोस्तों ये एक अलग अलग गांव है चौरी और चौरा, लेकिन मिलजुल के ये एक एरिया बनाता है। ब्रिटिश भारतीय रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था और जनवरी 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन की स्थापना भी की थी। शुरू में सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म और माल गोदाम का नाम ही चौरी चौरा था, लेकिन बाद में इस पूरे एरिया का नाम चौरी चौरा ही पड़ गया। अब डिटेल में मैं आपको बताती हूँ चौरी चौरा कैसे एक छोटे कस्बे से हमारे इतिहास की किताब में इतना ज़रूरी बन गया। बात है तब की, जब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने जितने भी ब्रिटिश सामान हैं, ऑफिसर्स हैं या ब्रिटिश संस्थान हैं, उनका बहिष्कार यानी उन्हें बॉयकॉट करने का सीधा फैसला लिया और बाकी सभी लोगों को भी ब्रिटिश से जुड़े हर काम को, हर चीज़ को बॉयकॉट करने का आदेश दिया, बॉयकॉट करने के लिए कहा गया। सभी लोगों ने, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सब ने बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में हिस्सा लिया और गांधी जी को सपोर्ट किया। भारत के हर हिस्से में लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया और इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में चौरी चौरा कस्बे में भी 4 फरवरी 1922 के दिन एक मूवमेंट से जुड़े कुछ सपोर्टर्स, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए चौरी चौरा के मुंडेरा बाजार को वहाँ पर चुना था। क्योंकि गांधी जी द्वारा ये साफ आदेश थे कि हर प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट के तरीके से होना चाहिए, तो ये प्रोटेस्ट भी एकदम नॉन वायलेंट ही होने वाला था। लेकिन इस प्रोटेस्ट को एक थानेदार गुप्तेश्वर सिंह द्वारा अवैध यानी कि इल्लीगल घोषित कर दिया गया। यही नहीं, ब्रिटिश जो पुलिस थी उसने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वायलेंस किया। इसके बदले में जब प्रोटेस्टर ने विरोध किया तो पुलिस ने प्रोटेस्टर पे सीधा गोलियां चला दी, जिसमें 11 सत्याग्रही ऑन द स्पॉट मारे गए थे और कुछ उनमें से घायल भी हो गए थे। और जो इस बात का गुस्सा था वो सत्याग्रहियों में भर गया। प्रोटेस्ट तो नॉन वायलेंट तरीके से करने निकले थे, लेकिन जब उनके ही लोगों को गोली मार के उनकी हत्या की गई तो वो चुप कैसे रहते, पॉसिबल ही नहीं था। जब पुलिस की गोलियां ख़त्म हो गई थी तो पुलिस स्टेशन के तरफ भाग गई और सभी प्रोटेस्टर भी पुलिस वालों के पीछे पीछे भागते हैं। पुलिस वाले खुद को अंदर से दरवाज़ा बंद करके पुलिस स्टेशन के अंदर ही वो जो है अपने आप को बंद करते हैं, छुप जाते हैं। ऐसे में प्रोटेस्टर ने सूखी लकड़ियां, कैरोसिन, तेल, इन सब की मदद से पुलिस स्टेशन को बाहर से आग लगाई। ये घटना करीब दोपहर में 1 बजे से शुरू हुई थी और शाम के 4 बजे तक ये सब चलता रहा, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला के मार दिया गया। इसमें एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी वहाँ से भाग निकलता है और गोरखपुर के कलेक्टर को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। खबर हर जगह फैल जाती है और इसके बाद महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा का जो ये निर्णय था वो सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, देशबंधु और मोतीलाल नेहरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो इस चीज़ से नाराज़ भी काफ़ी होते हैं। आंदोलन वापस लेने की वजह 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो फिर दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही घटनाएं सामने आती, क्योंकि गांधी ने शुरू से ही नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया है तो वो कहीं से भी अपने मूवमेंट के अंदर वायलेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे। गांधी जी ने इस घटना के लिए एक तरफ जहां पुलिस वालों को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि
उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया था। तो गांधी जी ने दूसरी तरफ घटना में शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए भी उनकी जो है करने के लिए अपील की। ब्रिटिश सरकार ने चौरी चौरा में मारे गए पुलिस वालों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया था। 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने उन 19 लोगों को जिन्हें चौरी चौरा कांड मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी उनकी स्मृति में शहीद स्मारक समिति का निर्माण भी किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में करीब 12 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाया। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया है। इसे चंदे के पैसे से बनाया गया था और उस दौरान इसकी पूरी लागत 13,500 रुपये आई थी। बाद में भारत सरकार ने उन शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनवाया। इसे ही आज मुख्य शहीद स्मारक के तौर पर भी जाना जाता है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम खुदे हुए हैं जिन्हें फांसी दी गई थी। इस स्मारक के पास ही स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक पुस्तकालय और साथ ही संग्रहालय भी बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनें भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई हैं। इन ट्रेनों के नाम शहीद एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन का नाम चौरी चौरा एक्सप्रेस रखा गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।